हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, थाईलैंड के चक्रवाती तूफान का नाम बताएं जिसने 5 जनवरी को अपना रुख भारत की तरफ अंडमान द्वीप की ओर कर लिया। हमारे ऑप्शन से ए राहत, बी पाबुक, सी परी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब था पाबुक। हाल ही में पाबुक नामक चक्रवात थाईलैंड में आया। इससे सामान्य जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ और इससे थाईलैंड के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश हुई। इस चक्रवात के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के लिए किस संविधान संशोधन विधेयक को 8 जनवरी 2019 को पारित कर दिया। हमारे ऑप्शन से ए 123वें, बी 124वें, सी 125वें, डी 126वें। और इसका सही जवाब है 124वें। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह बिल पेश किया और इस बिल के समर्थन में 323 थे और विरोध में 3 वोट पड़े। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई और बिल में सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और सरकारी नौकरी 10% आरक्षण की बात है। सभी धर्मों के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। पहले से एससी एसटी और ओबीसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, 124वें संशोधन विधेयक में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव है। हमारे ऑप्शन से ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 15 और 16, डी अनुच्छेद 21। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15 और 16। संविधान के आर्टिकल 15 में नया बिंदु जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार राज्य और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। संविधान के 16 आर्टिकल में एक बिंदु जोड़ा जाएगा जिसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार 10% आरक्षण दे सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बेहतर तरीके से देश में लागू करने और सुविधा को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन से ए अरुणा शर्मा, बी नंदन नीलकड़ी, सी किशोर सांसी, डी संजय जैन। और इसका सही जवाब है नंदन नीलकड़ी। 8 जनवरी 2019 को नई 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ जिसमें आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान, सीआईआईई के चीफ इनोवेशन ऑफिसर संजय जैन, विजया बैंक के पूर्व सीईओ किशोर सांसी और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के सचिव अरुणा शर्मा। इसमें कमेटी को देश में डिजिटल पेमेंट की मौजूदा स्थिति, व्यवस्था में मौजूद खामियों का भी अध्ययन करना है और उन्हें सही करने के उपाय सुझाने हैं जिससे देश में डिजिटल पेमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2019 को सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। हमारे ऑप्शन से ए एम नागेश्वर राव, बी आलोक वर्मा, सी अजय भटनागर, डी राकेश अस्थाना। और इसका सही जवाब है आलोक वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को बतौर सीबीआई डायरेक्टर बहाल किया है और हालांकि कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा सीबीआई में नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। यह मामला सीजीआई, पीएम और विपक्षी नेता वाली हाई पावर कमेटी के पास जाएगा। अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनको छुट्टी से भेजने से पहले अपॉइंटमेंट कमेटी से सलाह लेनी चाहिए थी। 23 अक्टूबर 2018 को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, नॉर्वे की प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो 7 जनवरी को भारत में 3 दिवसीय यात्रा के लिए पहुँची। हमारे ऑप्शन से ए एर्ना सोलबर्ग, बी जेसिका एल्मोर, सी जेंस स्ट्रेटबर्ग, डी जेना जेंसन। इसका सही जवाब है एना सोलबर्ग।
भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई। नॉर्वे के राजा है हराल्ड पांचवा और राजा इसकी राजधानी है ओस्लो और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियाई क्रोन। देश की सीमाएं पूर्व में स्वीडन से लगती हैं और उत्तर में कुछ क्षेत्र की सीमाएं फिनलैंड और रूस से लगती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चीन में भारत के नए राजदूत के तौर पर 8 जनवरी 2019 को किसने पदभार संभाला? हमारे ऑप्शन है ए विक्रम मिश्री, बी गौतम बंबावाले, सी राकेश अस्थाना, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी है और उन्होंने पूर्व राजदूत गौतम बंबावाले का स्थान लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट ने 1 फरवरी 2019 को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए रॉबर्ट जोलिक, बी पॉल वोल्फोविट्स, सी सर जेम्स वॉल्फेंसन, डी जिम योंग किम। इसका सही जवाब है जिम योंग किम। जिम योंग किम ने विश्व बैंक के प्रेसिडेंट से 1 फरवरी 2019 को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, जबकि इनका जो कार्यकाल है अभी करीब 3.5 साल का बाकी है। हमारा अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन से ए विवेक मजुमदार, बी पवन बंसल, सी अजित रानाडे, डी कुमार राजेश चंद्रा। इसका सही जवाब है कुमार राजेश चंद्रा। कुमार राजेश चंद्रा को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक चुना गया है और यह 1985 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह नियुक्ति की है। वह इससे पहले सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के महानिदेशक पद पर तैनात थे। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कितने पॉइंट का ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन से ए 55, बी 70, सी 40, डी 65। इसका सही जवाब है 70। भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इस ग्रेडिंग से राज्यों को पता चल सकेगा कि वे किन मानकों पर पिछड़ रहे हैं और किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार की ज़रूरत है। और इस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स द्वारा राज्यों के स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों अथवा कमज़ोर पक्षों का आकलन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में कितने वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय चैनल को बंद करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन से ए 42 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। और इसका सही जवाब है 32 वर्ष। यह चैनल 1987 में शुरू हुआ था। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल बंद करने के अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में स्थित रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी RABM को भी बंद किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभाल लिया है? हमारे ऑप्शन से ए गीता गोपीनाथ, बी मोना भारद्वाज, सी गीता सचदेवा, डी मीरा साहनी। और इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने 1 जनवरी 2019 को यह पद संभाला है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभाला है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से MA करने वाली गोपीनाथ ने वर्ष 2001 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की है। हमारा अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ने वाले कौन सी कंपनी ने पहली बार दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है? हमारे ऑप्शन से ए एप्पल, बी अल्फाबेट, सी गूगल, डी अमेज़न। और इसका सही जवाब है अमेज़न।
7 जनवरी को अमेरिकी शेयर बाजार बंद होने पर अमेजन का मार्केट कैप 56 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 54.81 लाख करोड़ रुपए रहा। तीसरे नंबर पर अल्फाबेट और चौथे पर एप्पल है। पिछले साल सितंबर में अमेजन का मार्केट कैप 70 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन शेयर में गिरावट की वजह से नीचे आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने 6 जनवरी 2019 को किताब ए क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन का विमोचन किया, इसके लेखक का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए राजेश सिसोदिया, बी अमर पासवान, सी मनोहर मनोज, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है मनोहर मनोज। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, चौथे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट 2018 का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन से ए ग्रैंड मास्टर ऋषि सरदाना, बी ग्रैंड मास्टर ए आई मुथैया, सी ग्रैंड मास्टर ट्रांतुआन मिन, डी ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु पुराणे। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।